आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवार आसिफ हबीब की जानिब से आज एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इससे पहले दो इफ्तार पार्टियां हो चुकी हैं, जो एक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के BOT जमशेद जैदी, जिन्होंने ग्रैंड इफ्तार पार्टी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लॉन में आयोजित की थी। उसके बाद मोहम्मद इरशाद अहमद, जिन्होंने इफ्तार पार्टी आयोजित की, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर भी हैं और माना यह जा रहा है कि किसी न किसी पद के लिए वो चुनाव लड़ सकते हैं और साथ में AMU के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद आज ये तीसरी ग्रैंड इफ्तार पार्टी थी। इफ्तार पार्टी की खासियत ये रही कि आप देखेंगे इसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के अलावा कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ सीनियर जूनियर नेताओं ने हिस्सा लिया। उसके अलावा आप देख सकते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो मौजूदा प्रेसिडेंट विदाउट पावर सराजुद्दीन कुरैशी ने हिस्सा लिया। सराजुद्दीन कुरैशी के साथ आप इदरीस साहब को, पूर्व काउंसलर महमूद जिया साहब को और साथ में जमशेद जैदी साहब को, शराफतुल्ला जो BOT हैं, ये दोनों BOT। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो सेक्रेटरी हैं अबरार अहमद, उसके अलावा जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ट्रेजरार हैं अहमद रज़ा, ये पूरी बटालियन ने, और उसके साथ आप देख सकते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के कई सारे सीनियर मेंबरों ने, जिसमें आप जावेद रहमानी को देख सकते हैं, जसीम मोहम्मद को देख सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। आप तस्वीरों में देखिए, एक एक को पहचानिए। पूर्व काउंसलर आप जमालुद्दीन को देख सकते हैं, पूर्व काउंसलर सोएब दानिश को आप देख सकते हैं। आसिफ हबीब ने ये कोशिश की कि तमाम साथियों को इकट्ठा किया जाए, चाहे उनके दरमियान आपस में मतभेद हो या किसी तरह का कोई इख्तिलाफ हो। आप डॉक्टर वारिस को भी देख सकते हैं, वो भी आए थे। तो तमाम लोग, चाहे वो सराजुद्दीन कुरैशी साहब की टीम हो, चाहे वो अबरार साहब की टीम मानी जाती हो, चाहे वो और कोई टीम मानी जाती हो, तमाम लोगों ने एकजुटता दिखाई। और इस पूरे प्रोग्राम में उसके इफ्तारी के बाद नमाज का आयोजन किया गया। नमाज की निजामत पंडित और ब्राह्मण दोनों कहे जाने वाले मौलाना पंडित वसीम अहमद गाजी ने कराई और उसकी इक्तदा में आप देख सकते हैं सराजुद्दीन कुरैशी, अबरार अहमद, सभी लोग एक सफ में आगे पीछे नजर आए। तो कोशिश ये हुई कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के साथियों को आसिफ हबीब की जानिब से कि उनको एक मंच पे लाया जाए, उनको एक साथ दिखाने की कोशिश की जाए, जो मतभेद हैं उनको भुलाने की कोशिश की जाए और तमाम लोग एक साथ मिलजुल करके बैठें। लेकिन क्या ये कोशिश इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव में भी रंग लाएगी? क्या इसी तरह से तमाम लोग ज्वाइंटली किसी एक आदमी को प्रेसिडेंट चुनेंगे या फिर ये सिर्फ इफ्तार पार्टी के मौके पर ऐसा होता है, तमाम लोग अपना अपना चुनाव लड़ेंगे? सब लोग, माना यह जा रहा है कि अभी तक आसिफ हबीब के अलावा अबरार अहमद चुनाव लड़ सकते हैं, उसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि सराज साहब की तरफ से SM खान चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी मुमकिन है कहा जा रहा है कि सराज साहब की तरफ से कोई एक बड़ा उम्मीदवार, एक भारी भरकम उम्मीदवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति रहे कोई भी व्यक्ति, किसी भी बड़े व्यक्ति को उतारा जा सकता है। ये सब संभावनाएं हैं, संभावनाओं का खेल है। जब तक कि कोई चीज़ धरातल पे ना उतर जाए तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन आज की इफ्तार पार्टी में कम से कम ये आसिफ हबीब ने एक कोशिश की, एक ईमानदाराना कोशिश की। जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये सब मिन जानिबिल्लाह है और हम मालिक के शुक्रगुजार हैं कि सब लोग, सारे साथी, तमाम मतभेदों को भुला करके एक मंच पर आए, एक साथ उन्होंने इफ्तारी का और उस इफ्तारी के बाद डिनर का और उसके बीच में नमाज को इंजॉय किया। हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। हमारी कोशिश ये है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सारे साथियों को एक मंच पे दिखाया जाए, चाहे उसमें सराज कुरैशी हो, भाई इदरीस हो, उसके अलावा महमूद जिया हो, जमशेद जैदी हो, शराफतुल्ला हो, अबरार अहमद हो, अहमद रज़ा हो, तमाम लोग एक साथ नज़र आए। खबर ये भी है कि शमीम साहब हाजिर हुए थे, हालांकि हम उनको नहीं देख पाए, लेकिन जो भी आए, एक बड़ी तादाद आई मेंबरों की, एक काफ़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ लोग कमर दर्द की वजह से नहीं आ पाए, कुछ लोग और मजबूरियों से, हालांकि आना वो लोग भी चाह रहे थे, खासतौर से कलीमुल हफीज़ या ऐसे लोग, लेकिन जो लोग आए, एक बड़ी तादाद मेंबरों का, उसमें सहारा के आप ग्रुप एडिटर माजिद निज़ामी को देख सकते हैं और साथ ही NDTV के से जुड़े कप्तान शाह रज़ा को देख सकते हैं। तमाम लोगों ने हिस्सा लिया, AMU के काफ़ी साथियों ने हिस्सा लिया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें और आपको इसी तरह से अच्छी और सटीक जानकारी वतन समाचार के माध्यम से पहुंचाते रहें।